इस एनिमे में हीलिंग मैजिक पावर का गलत इस्तेमाल हुआ है। भाई सब ऐसे कौन यूज करता है हीलिंग मैजिक। ये एनिमे विंटर सीजन 2024 मतलब जनवरी में रिलीज हुआ था, जिसका नाम है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। तो इसे काई जॉनरा में काफी अच्छा एनिमे है और भाई मैं तो इसे काई एनिमे का फुल टाइम हंटर हूँ। इसे काई जॉनरा में चाहे जैसा भी एनिमे अच्छा हो या बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना है तो देखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं इससे, क्योंकि भाई चीज ही ऐसे बनाते हैं कि देखना ही पड़ता है और देखे बिना रहा ही नहीं जाता। इस एनिमे स्टोरी का मेन फोकस केन उसातो पे रहेगा। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होता है कि उसातो अपनी स्कूल की बोरिंग डेज के बाद जब वो घर लौट रहा होता तो तेज बारिश के कारण वो बाहर नहीं जा सकता था। फिर इसकी हेल्प काजुकी जो इसका क्लासमेट और सुजुने जो इसकी सीनियर और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर है, ये दोनों करते हैं। और जब ये तीनों साथ में घर जा रहे होते तो इनको अनदर वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है, लेकिन उसातो मिस्टेकली समन होता है। इसके बाद फिर वही इनके मैजिक एट्रीब्यूट चेक करे जाते हैं, जिसमें उसातो के पास हीलिंग मैजिक होता है, सुजुने के पास लाइटनिंग और काजुकी के पास लाइट मैजिक होता है। उसातो के हीलिंग मैजिक की वजह से कोई इसे किडनैप कर लेता है। क्यों और किसने किडनैप किया ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई समरी के चक्कर में फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और इनका भी अनदर वर्ल्ड में समन होने का एक ही रीजन है, डीमन लॉर्ड को डिफीट करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो करवा दो। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जिस भी स्टूडियो ने इस एनिमे पे काम करा है भाई दिल से रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई काफी अच्छा काम करा है। चाहे बात करो इसके एनिमेशन वीएफएक्स या साउंड इफेक्ट की, सब बढ़िया है। और इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत अच्छा है, तो थोड़ा कैरेक्टर को भी चेकआउट कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है उसातो, जो अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर हो चुका है और इसे कुछ एक्साइटिंग और आउट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए। और सेकंड कैरेक्टर है सुजुने, और इसके असली पर्सनैलिटी तो अनदर वर्ल्ड में पता चलता है, जो थोड़ा बहुत ओताकू टाइप का है। और थर्ड कैरेक्टर है काजुकी, ये थोड़ा सुलझा हुआ मैच्योर कैरेक्टर है इन दोनों से। इस एनिमे का ओपनिंग सीक्वेंस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी समन कैरेक्टर हैं वो अनदर वर्ल्ड में जाते हैं फैमिली फ्रेंड्स को भूल जाते हैं, लेकिन इस एनिमे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये राइटर का सही डिसीजन था इस पर्सपेक्टिव को दिखाने का। और जब ये एनिमे ऑनगोइंग चल रहा था तब मैंने इसको देखा था, और इस एनिमे को देखना काफी सही डिसीजन था। और अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि इस एनिमे को क्यों देखना चाहिए, तो मेरा आंसर ये होगा कि ये इसे काई जॉनर में एक अच्छा ऑप्शन है। और इस एनिमे में एक अच्छी कॉमेडी, अच्छा एक्शन और काफी ज्यादा टेम्पटिंग स्टोरी है। और किसी भी एनिमे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टर इजी टू रीड होना चाहिए, जो कि इस एनिमे में है। और अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो जाके देखो, ना कि एक्सप्लेनेशन सुनो। और मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर होने वाले, कम से कम ये गोल तो कंप्लीट करा दे यार। और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।